युवा तथा खेलकूद मंत्रालय सप्तरी के कंचन रूप नगर पालिका ओडा नंबर 9 में फुटबॉल ग्राउंड आ एथलेटिक्स ट्रैक सहित के मदन भंडारी रंगशाला निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया आगा बढ़ौला बाद आई क्षेत्र के खेल प्रेमी में उत्साह देखल गेल छे। मुदा सदर मुकाम राजविराज में 2036 साल में निर्माण कैल गेल तत्कालीन सगरमाथा अंचल के एकमात्र पुरान राज रंगशाला आवश्यक मरम्मत संभार के अभाव में जोखिम पूर्ण आ बेहाल अवस्था में भेल पर आइ दिस सरकार के ध्यान नै गेल छे। राज रंगशाला जीर्णोद्धार में युवा तथा खेलकूद मंत्रालय कोनो चाँख नै देखायब अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण रहल राजविराज के खिलाड़ी खेल प्रेमी आ नागरिक अगुवा सभक उपराग अछि। पुरानो र ऐतिहासिक भएको जुन खेलकूद मैदान छ राज रंगशाला छ त्यसमा कति बेला पर्खाल लड्छ र त्यो प्यारापिटहरु भत्केर मान्छेको ज्यान जान्छ त्यो अवस्था पनि छ। पटक पटक चाहे प्रदेश सरकार बड़ा केन्द्र सरकार बड़ा माटो को नाम में पर्खाल को नाव में करोड़ों रुपया आए तर बालुआ में पानी खरा जस्ते भयो कहाँ गयो पैसा कुनै प्रगति छैन त्यसको निगरानी पनि कसैले गरेन। यो कहाँ छ अख्तियार कहाँ छ स्थानीय तपाईको चाहिँ अधिकारीहरू त्यसको खोज खबर लिएको छैन। 7,000 दर्शक अटै के क्षमता रहल प्यारापीट ठाम ठाम में टूटला सा कोनो भी समय दुर्घटना भ सकबाक संभावना से ओतबे रहल छे। ओतबे मात्रे नै रंगशाला के प्यारापीट नीचा वर्षों सा विभिन्न व्यक्ति कब्जा कक बसवास कर रहल छे। प्यारापीट अतिक्रमण भेला सा मैदान में शौच कर वाला गाय वस्तु चरा वाला आ देवाल के ईटा उखाड़ के फेंकनाय जहन समस्या सबसे बढ़ा लागल छे। राज्य रंगशाला को पुनर्निर्माण अहिले एकदमै आवश्यक छ र त्यसमा पनि पुनर्निर्माण भन्दा पहिले त्यहाँ अतिक्रमित प्याराफिटभित्र अतिक्रमण जुन भएको छ जग्गाहरू प्याराफिटभित्र घर बनाउने बसोबास गर्ने प्याराफिटको इँटा चाहिँ चोरी गर्ने र त्यसको दुरुपयोग गर्ने क्रियाकलाप जुन भइरहेछ त्यो नियन्त्रण नभएसम्म पुनर्निर्माण सम्भव छैन। अहि रङ्गशालामै खेल गतिविधि मात्रै नभए औद्योगिक मेला राजनीतिक दलक सभा समेत होइत आयल छे। रंगशाला खेल गतिविधि बाहे और प्रयोजन में समेत प्रयोग होबय लगला सा मैदान के अवस्था से जीर्ण बनत गेल छे। राज रंगशाला के स्तरोन्नति योजना लक बेर बेर युवा तथा खेलकूद मंत्रालय आ राष्ट्रीय खेलकूद परिषद समक्ष बजेटक मांग केलो पर अखन धरि कोनो सुनवाई नै भेल। जिला खेलकूद विकास समिति के उपाध्यक्ष धीरेन्द्र वर्मा धीरू बताय रहल छथि। यसमा हामी खेलकूद परिषद र खेलकूद मन्त्रालयमा पनि हामी योजना सहितको माग राखेको थिए र अहिलेसम्म कुनै किसिमको आश्वासन आएको छैन र 4 वर्ष पहिला नै डिपिआर सहित तयार भएको यो अहिलेसम्म कुनै किसिमको आश्वासन आएको छैन। खेलकुदक विकासक लेल नयाँ नयाँ पूर्वाधार निर्माण कक आगा बढाव निक बात छ। मुदा पुरान संरचना के मरम्मत संभार करबाक दिस सरकारक ध्यान नहि गेल छ। अपन टेलीविजनक लेल सप्तरी सा एम के माझी की रिपोर्ट।